गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा बहुत यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और उसमें हम बेसिकली यू नो बैटरी क्या होता है, कैसे एक्ट करता है एंड ऑल दोस थिंग्स, कैसे बैटरी वर्कआउट करता है, चार्ज कैसे मूव कर रहे हैं ऑल, उसके ऊपर बातचीत किए थे हम लोगों ने, ठीक है। So let's start our discussion from that point onwards. तो पहला lecture आप अच्छे से देखिए, वो video भी uploaded है, ठीक है, just go through that video properly. Okay. Let's start. So अब हम आज एक concept पढ़ेंगे which is known as a drift speed. ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस है वो फ्री चार्जेस नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान से देखिए, फ्री चार्जेस है, ये फ्री चार्ज ऐसे ऐसे मूव करेगा और फिर वापस जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह पे आ जाएगा, राइट? वी नो अबाउट दिस, यही केस होता था, जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट, ठीक है, वो उसी जगह पे आ जाता था। लेकिन अगर हम इसके अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट कर दें, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कंडक्टर विच इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, तो इसके अंदर जो फ्री चार्जेस हैं वो जहां से स्टार्ट करेंगे घूम फिर के, अगर आप देखोगे घूम फिर के वो वापस उसी जगह पे आ जाए, राइट? सो दिस इज व्हाट वुड हैपन। लेकिन अगर आप इसी कंडक्टर को, रिमेम्बर, इसी कंडक्टर को अगर आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, इफ यू कनेक्ट द सेम कंडक्टर विद द बैटरी, देन व्हाट वुड हैपन, यही सिचुएशन रहेगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दिस विल गेट शिफ्टेड। सो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में देयर इज अ गैप, इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, गैप मतलब वो सेम नहीं है। तो ये बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप इस कंडक्टर के अंदर क्या अप्लाई करते हो, जब आप इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो। When you apply electrical field, then only you see that this is happening, right? ये होता है। और ये हम लोगों ने basically last class में पढ़ लिया था कि actually conductor के अंदर क्या move करता है electrons, but हम conventionally ये मानते हैं कि flow of positive charges is the flow of current, flow of positive charges is the flow of current, right? और कल last class में हम लोगों ने एक important बात ये भी पढ़ी थी कि एक isolated conductor और एक कनेक्टेड कंडक्टर में डिफरेंस होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर में जहां पे भी कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है, लेकिन एक कनेक्टेड कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टिंग मेटल जहां पे है वहां पे भी प्रेजेंट रहती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन कंडक्टर व्हिच इज आइसोलेटेड एंड अ कंडक्टर व्हिच इज कनेक्टेड। कनेक्टेड कंडक्टर जो होगा या फिर व्हिच इज नॉट आइसोलेटेड, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। तो ये जो यू नो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी फ्री चार्ज का, उसके कारण उस फ्री चार्ज को एक वेलोसिटी मिलती है विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है अपॉन टाइम, क्योंकि कुछ एक टाइम पे हो। तो ये जो वेलोसिटी होती है फ्री चार्जेस की, इसे ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है या फ्री पॉजिटिव चार्जेस को मिलती है व्हेन आ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक यू वुड डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड? ड्रिफ्ट स्पीड कैन बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट स्पीड। प्लीज ये सब नोट्स बनाते रहना, बहुत जरूरी है। इट इज अ कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री चार्जेस, मैं बोलता चल रहा हूं, अगर पैरेलली आप अपना नोट्स बना रहे हो तो बेटर है, फ्री चार्जेस ट्रेवल्स इन अ कंडक्टर
ट्रेवल्स इन अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट. इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद इन द कंडक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड कंडक्टर, ध्यान सुनना, ये मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड कंडक्टर में हमेशा आपको ये होता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर में आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं रहती है जहां पे भी कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक कनेक्टेड कंडक्टर में आपको कनेक्टिंग मेटल की जगह पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी. अब सवाल है ये ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, मतलब जैसे स्पीड जा रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसके साथ कुछ करंट एसोसिएट होगा. अब सवाल है कि ये करंट जो है, ये करंट कितना है, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से देखिए, अभी हम लिंक करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड को करंट के साथ. मान लीजिए ये कंडक्टर है और कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट अस कंसीडर इट इज इक्वल टू ए. ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है जहां पे आपके कुछ चार्जेस, फ्री चार्जेस अवेलेबल. ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट स्पीड को हमने क्या माना, इट इज द कांस्टेंट स्पीड विथ विच द फ्री चार्जेस ट्रेवल्स. ये जो भी फ्री चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्या वो, ये मान लो ये इंस्टेंट है टी इक्वल टू जीरो. थोड़ी देर के बाद यही लेयर जो है, क्या ये लेयर यहां से मूव करके यहां पे कहीं पे पहुंच जाएगी, और ये जो है ये वो रीजन है जहां पे यहां पे जो मतलब ये लेयर जो है, ये लेयर जो t इक्वल टू जीरो पे था, वो मूव कर गया मान लो यहां पे t इक्वल टू t पे यहां आ गया. तो ये कितना दूरी चला, बेसिक ज्योमेट्री. क्या हम ये मान रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड वो स्पीड है जिससे सारे फ्री चार्जेस मूव करते हैं? तो क्या ये जो लेंथ आई है, क्या इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं vd इनटू t माइनस जीरो, जीरो इंस्टेंट और t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो vd इनटू t माइनस जीरो, क्या ये लेंथ आ गई. अभी ध्यान से देखो, तो बेसिकली जो वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ एरिया इंटू वीडी इंटू टी. क्या ये वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ, इज दिस द वॉल्यूम स्वेप्ट, एवरीवन प्लीज, इज इट द वॉल्यूम स्वेप्ट. यस, अच्छा ये वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ. अभी यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी. सुनना ध्यान से, नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर डेंसिटी है और ये वॉल्यूम स्वेप हुआ a इंटू vd इंटू t. Therefore, the charge that has moved in time t, will it be equal to volume swept, which is A into Vd into T, into number charge density, that is number of charge carriers per unit volume. इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो विल यू, डू यू थिंक आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज विच हैज मूव. तो ये आया, अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट इज मूव, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, नहीं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट इज मूव. इसको मैं लिखता हूं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट इज मूव, ये है. अच्छा नंबर डेंसिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. तो a vdt into n करेंगे तो this will represent the number of charges that is moved in time t. तो number of charges that is moved in time t is this. Therefore,
अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा विच हैज मूव्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी एन ए वी डी टी इंटू ई, एंड व्हाट इज दिस ई, ई इज द चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर. क्या मेरी बात समझ में आई है? ई इज द चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ई इज द चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. देयरफॉर करंट क्या बोलेंगे, क्या करंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम कितना है टी. ठीक है, तो इट विल बी एन ए वी डी टी इंटू ई अपॉन टी. टी और टी मर जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा करंट का, इट विल बी इक्वल टू एन ई ए वी टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट विच लिंक्स करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD is the drift velocity. What is N? N is the number charge density or number density. What is E? E is the value of one unit charge, and A is the area of cross section of the conductor. So this is the formula which links drift speed with current. तो ये एक standard formula है जो बहुत काम आता है, ये आपको याद रखना है. कौन सा formula है फिर से देखो, मैं इस formula को यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना. I is equal to N E A V D. इसमें एक एक टर्म देख लो, इसका मतलब क्या है. VD का मतलब क्या है? VD मतलब है ड्रिफ्ट स्पीड. A क्या है? A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये याद होना चाहिए, एकदम एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए. A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑफ अ सिंगल चार्ज कैरियर. चार्ज of a single charge carrier. And what is N? N is the number density. Number density क्या represent करता है? It is the number of charge per unit volume. So this is what is I, which is equal to N E A V D. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So ये formula आपको standard formula है, और ये formula आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए. I is equal to N E A V D. तो n क्या है? n है नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. e इज व्हाट? e इज द वैल्यू ऑफ वन चार्ज, कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का. a a इज द, तो e जो वैल्यू ऑफ वन चार्ज है, क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज नथिंग बट दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. बिकॉज एक्चुअली क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक्चुअल मानते हो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन मानते हम ये है कि पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है. बट पॉजिट्रॉन की चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आती है, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Yes? ठीक है. So this is what we are having current as I equal to NEA VD. ठीक है? अच्छा. Last class में याद करो, मैंने एक और concept पढ़ाया था आपको current density का. वो आप already आपने उसका definition पता है आपको. तो current density क्या होता है? Current density is I को जो होता है वो हम लोगों ने क्या measure किया था? J vector dot A vector. ठीक है, दिस इज करंट विच इज प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. दिस इज द यू नो एवरेज फॉर्म. इंस्टेंटेनियस फॉर्म में करंट को ऐसे लिखा जाता है, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. दिस इज द यू नो दिस इज द इंटीग्रल, या यू नो इन्फिनिटिसिमल फॉर्म बोल दो. कैलकुलस वाला फॉर्म, ये एवरेज वाला फॉर्म, ये कैलकुलस वाला फॉर्म. ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? करंट आप कैलकुलेट कर सकते. ध्यान से देखो, एक सवाल देखते हैं तो हमें क्लैरिटी आए. मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से करंट फ्लो कर रही है, और करंट डेंसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला जे नॉट एक्स. मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्स के साथ वेरी कर रही है. ठीक है, और मान लो इसकी जो रेडियस है, इस क्रॉस सेक्शन की, इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस है आर. आपको बतानी है, फाइंड फाइंड आई थ्रू द कंडक्टर. फाइंड आई थ्रू द कंडक्टर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना. एक मिनट का समय लो, ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट. एक मिनट का समय लो, ट्राई टू सॉल्व दिस.
एक मिनट का समय लो, ट्राई टू सॉल्व. मेरा फोन की नहीं. ओके चलिए. सो जे इक्वल टू जे नॉट एक्स, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? अभी आपको दिख रहा है कि ये जो करंट डेंसिटी है कांस्टेंट नहीं है. बहुत से लोगों ने शायद, अच्छा कुछ लोगों के आंसर्स आ गए. ओके तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होगा, ध्यान से देखो. मान लो ये एक हम यहाँ पे x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx का, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx का. ये x है और ये x प्लस dx, ठीक है. तो अब इस रीजन में जो करंट फ्लो करेगा di, विल इट बी इक्वल टू j इंटू डीए, ठीक है. तो जे क्या लिखेंगे, छोटा सा करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, तो इट विल बी जे की वैल्यू है जे नॉट एक्स, और डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एक्स डीएक्स. एवरीवन अभी मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं, आपको समझ में आई क्या 2 पाई एक्स डीएक्स कैसे लिखा? तो टोटल आई टोटल will it be equal to integration of di, will it be equal to 2 pi j into x square dx का integration, और x की value कहां से कहां तक vary कराएंगे, 0 से लेके r तक. तो आपका result आएगा 2 pi j into r cube by 3. This is what you should get. कितने लोगों का ये answer आया है? 2 pi j R cube by 3. क्या मेरी बात समझ में आई है? Everybody is understanding this? Clarity आई है? Are you understanding this? तो इसका अपने को ऐसे फायदा मिल जाता है कि यू नो कि टोटल जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी की मदद से यू नो वी कैन सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. अच्छा यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है?
करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो होती है, वो वही डायरेक्शन होती है जो करंट की होती है. करंट डेंसिटी डायरेक्शन इज सेम एज. डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको नोट करना है. करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट. क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्लियर है ये? ठीक है, चलिए. गुड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ठीक है, सो कुछ कुछ बातें. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. राइट, this is what is defined as electrical resistance. It is the obstruction that is offered by the conductor to the flow of charges. इसे हम लोग basically resistance बोलते हैं, which is the normal thing. Resistance क्या है आपको समझ में आ रहा है? अगर physical meaning भी आप, मतलब आप definition को छोड़ो, आप अगर normal life में इसके meaning समझने की कोशिश करो कि हमें resistance मिल रहा है, मतलब हम smoothly flow करना चाहते हैं या फिर हम कुछ चीजें implement करना चाहते हैं, but हमें उसका resistance मिल रहा है, means we are getting some obstruction, right? So, resistance जो है, ये basic definition है. Resistance जो है, वो depend करता है of any conductor. It depends on shape of the conductor, size of the conductor, temperature of the conductor and material of the conductor, जिससे conductor बना हुआ है. इन सब factors के ऊपर electrical resistance depend करती है. ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाय रो एल बाय ए. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा लेकिन थोड़े देर बाद, ठीक है ना? अभी उसकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. ये मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट है, कुछ अजम्पशन मान के इसका डेरिवेशन होगा और कुछ स्टैटिस्टिकल हम चीजें भी यूज करेंगे. सो वी विल बी एबल टू डिराइव दिस. ठीक है, तो अब घबराइए मत. रो की वैल्यू होती है 2m बाय एनी स्क्वायर टाउ. मैं बोल देता हूँ बट वो चीज मैं डिराइव करके आपको दिखाऊंगा, बट अभी नहीं. फिलहाल हम ये जान के रखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय रो एल बाय ए. राइट, अभी देखो यहाँ पे रो क्या है? रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. ये आपने, अगर आपको याद होगा, ये आपने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड 9th में किया था. रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टिविटी को एक और नए नाम से हम जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी को हम एक नए नाम से जानते हैं, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो याद रखने वाली चीज है. ठीक है, अच्छा, ये जो रो एल बाय ए है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल बाय सिग्मा ए. समझने वाली बात है कि रो इज इक्वल टू 1/σ. रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं और सिग्मा को कंडक्टिविटी बोलते हैं. इट इज वेरी मच लाइक टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज 1/ टाइम पीरियड या टाइम पीरियड इज 1/ फ्रीक्वेंसी. वैसे ही रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर एक दूसरे का रेसिप्रोकल. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये बेसिक बात. ठीक है, समझ में आई? तो रो एल बाय ए इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इट कैन आल्सो बी रिटन एज एल अपॉन सिग्मा ए, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी. ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी. रो और सिग्मा लिंक्ड होते हैं. रो इक्वल टू 1/ सिग्मा. ठीक है, समझ में आया? अभी यहां पे ये जो फॉर्मूला हमने देखा है R इक्वल टू रो एल बाई ए,
ये जो एल और ए ध्यान सुन, ये डिटर्मिनेशन ऑफ एल एंड ए कैन बी डन व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज नोन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज नोन। समझने वाली चीज है ये, कॉन्सेप्चुअल बात है समझो। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपको करंट के फ्लो की डायरेक्शन मिल जाए तभी आप एल और ए डिसाइड कर सकते हो। तो एल क्या है, एल इज द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। And A is the area of conductor parallel to direction of flow of current. मेरी बात समझ में आई है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो रो एल बाई ए, एल और ए क्या है, एल इज द डायरेक्शन, एल इज द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, and A is the area of cross section of the conductor perpendicular to the direction of flow of current. इसका मतलब L और A तभी हम decide कर सकते हैं जब हमें direction of flow of current पता हो। अगर direction of flow of current हमें पता नहीं है तो हम L और A decide नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो L और A decide करने के लिए जरूरी क्या है कि हमें direction of flow of current पता होनी चाहिए, तभी हम L निकाल सकते हैं, तभी हम A निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? चलेगा? सो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओम, और ये इस ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनिए, अभी मैं एक बात बता रहा हूं विच इज नोन एज स्ट्रीम लाइन्स ऑफ करंट। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, तो ये आपको अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा, बाकी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रीम लाइन्स ऑफ करंट। देखिए मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के मान लीजिए इस एंड पे और इस एंड पे मैंने मैंने यहां पे ऐसे मेटालिक ज्वाइंट्स बना दिए हैं जिसको कि मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। ये पूरा मेटालिक ज्वाइंट्स है जो पूरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर पूरा लगा। तो अगर ऐसा मेटालिक ज्वाइंट्स है और हमने इसे एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, सोर्स मतलब आपकी बैटरी हो जाए, कोई भी एसी सोर्स, डीसी सोर्स, कुछ भी, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो इधर पोटेंशियल मान लो V हो गया, इधर पोटेंशियल जीरो हो गया। तो V और जीरो पोटेंशियल के अक्रॉस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ गई या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस टाइप से होगी, ठीक है, जो कंप्लीटली वी से वी वोल्ट, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी वोल्ट है, वहां से जीरो वोल्ट की तरफ जाएगी। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा ये केस होता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें, हम जो कंडक्टर बनाते हैं, हमने अगर ऐसा एक कंडक्टर लिया है, ध्यान से देखिए, तो हमारा जो ज्वाइंट होता है ना, जहां पे एक कोई भी वायर इसके साथ ज्वाइन होता है, वो एक बहुत छोटा सा एरिया होता है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो अब जो आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? एक तो यहां से डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा, ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बाकी सब जो है वो ऐसे जाएंगे। समझ में आया? ऐसे,
ऐसे जाएंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा अब सुनो, एक्चुअली डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें, ये जो एल है और ये ए है, ये क्या है, एल इज द, एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम लाइन, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम लाइन, एंड ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ये ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ये 90 डिग्री पे होता है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम ले रहे हैं, दिस इज व्हाट इज ए फ्रॉम हियर, रो एल बाई ए में जो ए है, ए इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन, दैट इज व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यहां पे ये एरिया कैसे होगी, यहां पे ये एरिया इस टाइप से होगी, देखते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स होगी, ऐसे होगी, और कुछ देर के बाद ये फिर ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाएंगी ऐसे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, सो ये ध्यान से देखना, तो ये कंडक्टर बेसिकली ऐसा, जो केस ए मैंने बनाया है, केस वन और ये केस टू, एक्चुअली ये केस टू जैसा ही जनरली हमारा कनेक्शन होता है एंड पे, ठीक है, केस टू जैसा ही होता है। तो तुम्हारी जो एरिया एरिया जो होगी वो एरिया इस टाइप से कुछ आनी चाहिए, राइट, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम एरिया कौन सा कंसिडर करते हैं, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कंसिडर करते हैं। तो अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एल एंड ए आर not the dimensions of the conductor, but are the dimensions of streamline। ये चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी कि L and A जो है वो dimensions of the conductor नहीं है, but are the dimensions of streamline है। But सवाल सॉल्व करने के लिए हम जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर दे दिया रहेगा वही हम यूज करेंगे, लेकिन अच्छे सवालों को कॉन्सेप्चुअल सवाल में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लेंथ और एरिया है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन। जो एल है वो स्ट्रीमलाइन की लेंथ है और जो ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीमलाइन है, ये समझना है आपको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आएगा, जहां पे फ्लूइड के स्ट्रीमलाइंस होंगे वैसे ही करंट के स्ट्रीमलाइंस होते हैं, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि स्ट्रीमलाइंस ऑफ करंट मतलब अगर मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के एंड्स को पूरी तरीके से यूज कर रहा हूं, यहां पे पूरा मेटालिक जॉइंट्स बना हुआ है, तो उस केस में मेरी जो स्ट्रीमलाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी। लेकिन जब अगर हम पॉइंट कॉन्टैक्ट्स लेते हैं तो उस केस में स्ट्रीमलाइन इस टाइप का कुछ शेप लेंगी, तो उस केस में जो ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलवेज बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगी, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वी जनरली कंसीडर एरिया एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट फिर क्यों काम आएगा सर, आपने क्यों बोला, ये काम आएगा आपके कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जहां पे ये डीपर मीनिंग इन्वॉल्व होगा, जहां पे स्ट्रीमलाइन का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब ये कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस जहां पे अच्छे ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे एंड यू हैव टू आंसर दिस, वो आंसर करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है, ये क्लियर है, ये चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट देखिए, सपोज इफ आई टेल यू कि अब कुछ बातें आपको पुरानी टाइप की लगेंगी, बिकॉज यू नो आपने ये सब चीजें, अगर आपको याद होगा आपने थर्मल रेजिस्टेंस के चैप्टर में किया हुआ था, हीट चैप्टर में, और थर्मल रेजिस्टेंस इस बार के आपके टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। इस सवाल में देखो,
Suppose I say this is the direction one, this is the direction two and this is the direction three of current. तो मैंने आपको बोला था कि L and A are basically decided by streamlines. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि streamlines और area of cross section are same and same thing. तो L and A will be decided by the direction of flow of current. ये कोई भी decide नहीं कर सकता. ये decide पहले direction of flow of current decide करना पड़ता है, फिर L and A आप decide करो. तो अगर मैं वन रेजिस्टेंस, अगर मैं वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लेता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो, मटेरियल सेम है, रो आएगा. एल क्या आएगा? एल विल बी सी अपॉन ए बी. क्या मेरी बात समझ में आई है? कुछ लोगों ने आंसर दिया है, लेट मी चेक. यस, एरिया इज पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट इन द प्रीवियस स्लाइड. नहीं नहीं नहीं, एरिया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो पैरेलल ही होगा, बट एरिया जो हम बोलते हैं वो स्ट्रीमलाइंस के परपेंडिकुलर में एरिया है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर पूछेगा तो वो पैरेलल. सर स्ट्रीमलाइंस डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट रहेगी? हाँ बिल्कुल, स्ट्रीमलाइंस डिफरेंट शेप में डिफरेंट रहेगी. क्लैरिटी आई है? अगर हम कुछ अलग टाइप का शेप लेंगे तो वैसे वैसे वो अलग होगी. ठीक है. अच्छा, रेजिस्टेंस अक्रॉस वन आपको समझ में आया. व्हाट इज द रेजिस्टेंस अगर मैं सेकंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कंसीडर करता हूं तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द रेजिस्टेंस? बोलिए. टू, अगर सेकंड डायरेक्शन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? रो एल टू के अलोंग में क्या लेंथ है? बी अपॉन ए सी. सही है क्या? एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस इफ आई टेक द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एस थ्री? थ्री लूंगा तो रो एल क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी सी. सो ये देखो, तो मैंने जो बोला था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कैसे रेजिस्टेंस वही सेम कंडक्टर का अलग अलग हुआ डिपेंडिंग अपॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसा है. क्या मेरी बात समझ में आई है? डिपेंडिंग अपॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसा है. क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है पक्का? ओके ठीक, गुड. So did you understand this? ये समझ में आया? ठीक है आपको? ओके आइए अभी एक और सवाल लेते हैं. आपको पुराना थर्मल रेजिस्टेंस का रिविजन भी होता हुआ नजर आएगा. मान लीजिए हमने एक ऐसा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया है ठीक है ऐसा, एंड लेट अस से दैट इस जोन में पूरा कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है. ठीक, ये इनसाइड एरिया का रेडियस ए है और आउटसाइड एरिया का रेडियस बी है, बाकी सब में कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है. ठीक है, मान लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो ये है. इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं? द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, दिस इज व्हाट इज गिवन. ठीक है, बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? आपको बताना चाहिए बिकॉज आपने हीट रेजिस्टेंस में ये सब चीजें की थी. मैंने बोला था कि यहाँ पे डिटेल में कर रहे हो, करंट में वही चीजें काम आएंगी. फिर से जल्दी बताओ आंसर. नहीं आया? जो डायरेक्शन आपको दिखाया गया है उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी रो एल बाई ए विच इज पाई टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. कितने लोगों का ये आंसर आया है देखो, किसी ने यही आंसर जवाब दिया है रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बिल्कुल सही. समझ में आया? आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
रो एल बाय पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया ये एवरीवन? अच्छा अब मैं इसका एक दूसरा वर्जन लेता हूँ, ये डायरेक्शन दिखाया था, इसका एक दूसरा वर्जन लेता हूँ। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ इसका सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ, आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, ये ए है और ये बी, ठीक है। लेकिन अब जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब आउटर इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर की तरफ फ्लो कर रही है, ऐसा मानो, बीच में कंडक्टिंग मेटल भरा हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना है बता सकते हो? ये ऑलरेडी किया हुआ है तो आई नीड गुड आंसर्स फ्रॉम यू। किसी का आंसर आया? एरिया इज चेंजिंग, यस यस यस। सो हाउ वुड यू फाइंड इट? ऐसा सवाल आपने किया हुआ है ऑलरेडी, आपको याद आना चाहिए थर्मल रेजिस्टेंस के वक्त। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप सेंटर से एक्स दूरी पे जाके एक डीएक्स का आप एक स्ट्रिप खींचोगे, यस और नो? ठीक है, x दूरी पे जाके आप एक स्ट्रिप लोगे यहां पे dx थिकनेस का, ठीक है। तो अभी अगर आप लॉजिकली समझ रहे हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अभी जो आपका करंट है वो बेसिकली एक सिलिंड्रिकल रीजन से निकल रहा है, और सिलिंड्रिकल रीजन का जो एरिया है वो ऐसा कुछ है। देख ध्यान से, चमकना पड़ेगा भाई, एकदम ध्यान दो अभी इसको। ये ऑलरेडी तुम हीट में कर चुके हो, ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है तुम्हारे लिए। ध्यान से देखो, ये रेडियस जो है, ये रेडियस x है, और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस dx, ठीक है। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस dx, समझ में आया? अभी करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। तो अभी जो dr में छोटा सा रेजिस्टेंस लूंगा, दैट विल बी रो इनटू l बाय a। l क्या है? l इज द लेंथ। एक बार करंट की डायरेक्शन फ्लो हो गई तो l इज दैट लेंथ अलोंग विच द डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग। क्या दैट लेंथ इज dx? क्या ये वाला लेंथ है जिसके थ्रू करंट निकल रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही यार? बोलना पड़ेगा भाई, यस और नो? अपॉन एरिया। एरिया क्या? एरिया विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो वो एरिया कौन सा एरिया है? इज इट द एरिया कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर जिसके थ्रू करंट निकल रहा है? तो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी 2 पाई एक्स इनटू एल। क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, और जो इसकी इनर सर्कमफेरेंस या आउटर सर्कमफेरेंस कुछ भी ले लो, दोनों सेम चीज है। 2 पाई एक्स इज द सर्कमफेरेंस इनटू एल, इज इट द कर्व सर्फेस एरिया। तो dr is rho into dx by 2 pi x है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dr will become rho by 2 pi l into dx by x। तो इंटीग्रेट करेंगे
रेजिस्टेंस, तो दिस विल गिव मी द टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी रो अपॉन टू पाई एल एवरी वन डी एक्स बाई एक्स इज एल एन ऑफ एक्स, एंड एक्स की लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो रिजल्ट आ जाएगा रो बाई टू पाई एल एल एन ऑफ बी बाई ए। याद आ रहा है यही चीज आपने थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़ा था, जहां पे रो की जगह पे सिर्फ चेंज ये हुआ था थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस के वक्त इसको आपने 1 बाई के से रिप्लेस किया था। और जब मैंने आपको थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि के की जगह पे 1 बाई रो पुट कर देना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या यही आंसर आया था? यार याद आ जाना चाहिए भाई अभी, है ना, सबको याद आ रहा है क्या, सबको याद आ रहा है भूला बिसरा स्टोरी, यस और नो, एवरी वन याद आ रहा है, ये सब चीजें बताई गई है आपको, यस और नो याद है आपको, गुड गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है तो यू नो इट विल नॉट टेक अस लॉन्ग टाइम फॉर सॉल्विंग सच वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, आइए देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। लेट मी से अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज stretched to double its length, is stretched to double its length, ठीक है, आपको बताना है find its new resistance, सब लोग सॉल्व करो इसे। और एक दूसरा सवाल मैं देता हूं आपके लिए, A wire of resistance R is stretched such that its length increases by 2%. Find its new resistance. दो सवाल है आपके लिए, एक मिनट का समय लो, try to give me the answer for both of them. कुछ लोगों के answers आ चुके हैं, let me see. Okay, solve करो. जल्दी बोलो, चलो पहला वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। देखो ध्यान से, मान लो एक वायर, आप सिलेंड्रिकल वायर मान लो, क्या किया गया कि इसको स्ट्रेच करके इसका लेंथ डबल कर दिया गया, इसका लेंथ डबल कर दिया मतलब समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। लेकिन जब ये किया गया तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जब ये किया गया कोई नया मटेरियल ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल था वो तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज हमने कोई नया मटेरियल ऐड नहीं किया है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और मास ऑफ मटेरियल इज रिमेनिंग सेम, बिकॉज डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, डेंसिटी डज नॉट चेंज की अगर हमने उसे लंबा करके कर दिया, चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो अगर वॉल्यूम इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अभी याद कीजिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल वाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करेंगे और एल से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम रो एल स्क्वायर बाई वी, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें मान लो रेजिस्टेंस इनिशियल जो रहेगा
इट विल बी रो इनटू लेंथ इनिशियल, लेंथ इनिशियल अपॉन लेंथ इनिशियल का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इनिशियल. एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस फाइनल? रेजिस्टेंस फाइनल विल बी रो इनटू लेंथ फाइनल का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम फाइनल. क्या ये स्टोरी समझ में आया? अभी आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए साइड बाय साइड, तो इट विल बिकम रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस फाइनल, इट विल बी इक्वल टू रो रो मर गया. अच्छा, बिकॉज वी इनिशियल और वी फाइनल तो सेम ही है, यहाँ पे हमने देखा था कि वॉल्यूम इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो वी आई और वी एफ कट जाएगा. इट विल बी एल इनिशियल का होल स्क्वायर अपॉन एल फाइनल का होल स्क्वायर, बिकॉज रो रो भी कट जाएगा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं है. तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, आर आई अपॉन आर एफ विल बिकम लेंथ इनिशियल, ठीक है, लेंथ इनिशियल एल था मान लो, लेंथ फाइनल हो गया टू एल, डबल हो गया, होल स्क्वायर क्या ये 1/4 हो गया, इसका मतलब आर फाइनल विल बी 4 टाइम्स आर इनिशियल. सो रेजिस्टेंस फाइनल हैज बिकम 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस इनिशियल. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, रेजिस्टेंस फाइनल इज 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इनिशियल, तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ? बहुत बार ये भी पूछ लेते, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कौन बताएगा परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितने का हुआ? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? देख यार, आर बाय फोर, फोर आर, ये सब चीजें सही करो यार, मतलब मैं ना इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, है ना. अगर तुमको मतलब ये सब कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यार, है ना. बोलो, रेजिस्टेंस फाइनल इज 4 टाइम्स रेजिस्टेंस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? 400% या 300%? 400% या 300%? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? 400% या 300%? 300% इज करेक्ट आंसर. गुड गुड, आ जाओ अभी सेकंड वाला सवाल देखो जो तुम्हारे सामने है. सेकंड वाला सवाल देखो जल्दी, फास्ट, प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट. सेकंड वाला सवाल देखो. A wire of resistance R is stretched such that its length increased by 2%. Find its new resistance. ठीक है, फिर से देखो. Resistance initial जो होगा, it will be rho into length initial by whole square upon volume. And resistance final जो होगा, it will be rho into length final, which is length initial into 1 plus 2 by 100 का whole square upon V. क्या ये सही है? अब हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस फाइनल करेंगे, विच विल बी, व्हेन वी डू इट, वी विल सी दैट रो वी विल गेट कैंसल्ड आउट. इट विल बिकम एल इनिशियल का होल स्क्वायर अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 बाय 100 का होल स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? ठीक है, गुड. सो इसको जब हमने डिवाइड किया, आर इनिशियल बाय आर फाइनल विल बी इक्वल टू 1 by 1 plus 2 by 100 का होल स्क्वायर. तो आर फाइनल जो हुआ वो हो गया आर इनिशियल इनटू 1 plus 2 by 100 का होल स्क्वायर. लुक एट दिस, 2 by 100 इज लाइक 0.002. 0.02 is much much less than 1. Kitna? It is much much less than 1. So if it is, kyunki 10%, maine aapko yaad hai binomial theorem padhaya tha, 10%, 10% of 1 kya hai? 0.1. This is like 0.02. Usse bhi 10% ka 1/5 hai ye. Matlab 2%. So can I use binomial approximation? Yes, I can. So resistance final will be resistance initial into 1 plus 4 by 100. तो परसेंटेज, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस दिस, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अगर पूछेगा, ये देख, आर फाइनल बाय आर इनिशियल इज इक्वल टू 1 plus 4 by 100. समझना इस बात, ये 1 को इधर ले जा, तो इट विल बिकम आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई इज इक्वल टू 4 by 100. 100 दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरा रिजल्ट आएगा 4%. एकदम क्लीन रिजल्ट आया है, कोई भी बिना एरर के. लेकिन ये चीज तभी कर सकते हो, यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का फंडा लगाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा.
मैं आपको बता चुका हूँ दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रिक विच मेनी टाइम्स फिजिसिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना पड़ेगा। जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज छोटा वैल्यू नजर आए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाने की बारी आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्लैरिटी आइए आइए, लेट्स मूव ऑन। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है? सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस जब मैं बोलता हूं, देखिए जो रेजिस्टेंस है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो एल बाई ए, ठीक है? सो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज वैलिड है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई, ये देखा गया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि जैसे जैसे यू नो आपकी टेम्परेचर बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, देखो एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है लैटिस। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं ज्यादा, लेकिन वो लैटिस भी वाइब्रेट करते हैं। तो लैटिस वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन ज्यादा होती है तो वो और फास्टर मूव करते हैं, बट लैटिस वाइब्रेशन के कारण उनको जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है इफेक्टिवली दैट इंक्रीजेस, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गया। इसीलिए इट इज ऑब्जर्व दैट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं तो रेजिस्टेंस भी घटेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी आई है? चलेगा? अच्छा अभी देखो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था आपको याद है, उसी तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन सुनो, इसका डेफिनेशन, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया, ध्यान सुनो। इसका डेफिनेशन है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो अल्फा है इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर ये भूल गए तो गए काम से। dr by r मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी सुन, इसमें अगर मैं dr by r को एक साइड में रखूं और इस dt को इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाऊं सो आई विल गेट अल्फा dt। कर सकता हूं मैं dt को दूसरे साइड में ले गया, अल्फा dt आ गया। तो अगर मैं ऐसा किया, ध्यान से देखना, तो नाउ व्हाट आई विल डू इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स अगर मैं करता हूं तो आई विल गेट dr by r that is from some original to some final value r। अगर मैंने अल्फा को कांस्टेंट माना तो उसे बाहर निकाल लूंगा एंड आई विल गेट dt, दिस इज ओरिजिनल इनिशियल टेम्परेचर पे एंड दिस इज फाइनल टेम्परेचर। सो dr by r जो है ये आपको पता है ये ln r होगा, ln r from resistance original to some resistance r is equal to alpha dt which will be t final minus t initial। ध्यान से देख लो पहले, which can be written as alpha into delta t, ठीक है? ये चीज हो गया ln of r by r naught which is equal to alpha into delta t, चलेगा? अब r की जो वैल्यू है ये आ जाएगी r naught into e to the power alpha delta t। this is the relationship of resistance with temperature, but this is valid only when alpha is constant।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होता तो हम इस अल्फा को बाहर नहीं निकाल पाते। तो अल्फा कांस्टेंट होने पर रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी विल बी, टी फाइनल विल बी आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द डिफरेंस ऑफ दैट फाइनल टेम्परेचर फ्रॉम द ओरिजिनल टेम्परेचर वेयर आर नॉट या रेफरेंस रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? सुनो फिर से, ये जो R है ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर ऑफ टी फाइनल, और ये R नॉट दिस इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इनिशियल, एंड डेल्टा टी दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आपको समझ में आया है? दिस इज व्हाट इज योर फॉर्मूला, R इक्वल टू R नॉट e टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा अब सुनो, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये बच्चों के दिमाग से हट जाता है इसलिए गलतियां करते हैं। इफ अल्फा कांस्टेंट है एंड अल्फा कांस्टेंट के साथ साथ एंड इफ आई राइट दैट अल्फा डेल्टा टी इज मच मच लेस देन वन, ये दोनों कंडीशन में रख रहा हूं कि अल्फा कांस्टेंट है एंड अल्फा डेल्टा टी इज मच मच लेस देन वन, तो उस केस रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी फाइनल विल बी रेजिस्टेंस ओरिजिनल ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी का एक्सपेंशन। मैंने आपको बोला था कुछ एक्सपेंशन आपको याद रखने, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अगर मैं ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, एक्स की जगह पे अल्फा डेल्टा टी, अगर ये किसी को एक्सपेंशन पता नहीं था तो ये याद कर लें अभी फिलहाल, ठीक है, ये काम आता है, पूरा इसके लॉजिक के बारे में समझने की जरूरत नहीं, ये मैथ्स वाले ही समझ सकेंगे, लेकिन बाकी लोग सिर्फ याद रखें कि ये काम आता है कभी कभी, जैसे अभी आया e टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, तो x की जगह पे अल्फा डेल्टा टी आ गया, तो ये 1 अल्फा डेल्टा टी हो गया प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी समझने वाली बात ये है, यस यस वी हैव डन दिस, तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टर प्लस 1, बिकॉज अल्फा डेल्टा टी इज मच मच लेस देन 1, तो अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इसके जो हायर पावर्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी है, क्या मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूं? आई कैन मेक देम जीरो, आई कैन नेगलेक्ट देम, मेक देम जीरो और नेगलेक्ट देम, जो भी बोल लो। सो देयरफॉर आपकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आया वो आया आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपका रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाय इधर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है इसकी पूरी समझ होनी चाहिए, और वो कंडीशन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख के दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द थर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का प्रॉपर डेफिनेशन। ध्यान से देखो इसे, क्या सबको समझ आया है? ध्यान से देखो इसे, सबको समझ आया है क्या? Everybody, everybody, do you understand this? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, क्या आपको समझ में आया? अभी सबसे बड़ी बात होती है कि इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, इसकी समझ आपको डेवलप करनी है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ठीक है? तो ये समझ डेवलप करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको घर में जाके इस पर्टिकुलर सेशन में जितनी भी चीजें हुई है इसका नोट्स प्रॉपर बनाएं और जितनी भी थ्योरी पॉइंट्स है इनको अच्छे से कवर करें, बिकॉज ये बेसिक्स है और यही आपको हेल्प करेगा आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है? सो गो एंड कवर दिस अप एज सून एज पॉसिबल, और कल का टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। तो शायद आज आप ये नहीं कर पाइएगा, कल का टेस्ट के लिए तैयारी करें और कल आप टेस्ट देने के बाद इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।